भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार की उपासना में, ओंकार ध्यान में, ओंकार का आलंबन लेकर के प्रभु के आश्रय, भगवान की शरणागति में भगवान के आलंबन में आलिंगन में भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के एक बार ओम बोला, एक बार ओंकार का जप किया, चाहे बोल करके जप कर लें जिसको हम वाचिक जप कहते हैं, चाहे उपांशु जप कह ले, चाहे इसको हम मानसिक जप कहें या अजपा जप, जप के लंबे अभ्यास के बाद एक ऐसी स्थिति बनती है संकल्प मात्र से हम भगवान में समाहित हो जाते हैं, संकल्प समाधि, संकल्प सिद्धि, भाव समाधि, भक्ति की पराकाष्ठा। श्रद्धा की, समर्पण की, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम का अतिरेक। एक बार ओंकार का उच्चारण किया, एक बार ओंकार का जप किया, ध्यान किया, ओंकार में समाहित हो गए, ओंकार के साथ एकाकार होकर के ओंकार ब्रह्म के अपर और पर रूप को, जिसको अपर ब्रह्म कहते हैं, ये जो कुछ पिंड और ब्रह्मांड में मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में दृष्टिगोचर होता है स्वरूप, इस सब में भगवान के मूर्त रूप की अनुभूति करना, ये सब भगवान का ही प्रत्यक्ष है। सब स्वरूपों में ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, जो कुछ है ओम इति एतत् सर्वम् तस्योपाख्यानम्। ओम इति इदम् सर्वम्, सब कुछ जो कुछ है ये सब भूतम् भवत् भविष्यति इति सर्वम् ओंकारेव यच्चन्न त्रिकालातीतम् तदप्योंकारेव। ओम खं ब्रह्म, ओम क्रतो स्मरोम क्लिबी स्मरोम
कृतम स्मर। ओम खम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा ओम इदेकाक्षर ब्रह्म। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्रों में नवद्वारों में 72,72,10,201 नाड़ियों में पंचकोशों में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय सब कोशों में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में पंच तन्मात्राओं में पंच महाभूतों में पंच ज्ञानेन्द्रियों में पंच कर्मेंद्रियों में इनके पांच पांच विषयों में अंतःकरण चतुष्टय में ज्ञान और ज्ञान विज्ञान के जितने भी विषय हैं सब संदर्भों में एक ब्रह्म का एक ओंकार परमेश्वर का ध्यान। ये अपर ब्रह्म है। सब स्वरूपों में ओंकार के स्वरूप की अनुभूति ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति। ओम ब्रह्म इति ओम ब्रह्म विराट असीम है अनंत है अथा अपरिमित है। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की सब सुखों में ब्रह्म सुख की सब सफलताओं में ब्रह्म की ही सफलता की विजय की अनुभूति। इस सारे ऐश्वर्य में वो परमेश्वर ही है। प्रभु तो ही तो तू ही तो तू ही तो तू ही तो ओम तत्सत। उपासना काल में भी ऐसे ओंकार के साथ एकाकार रहे और भोर से लेकर के सायंकाल पर्यंत जो कुछ भी हम करें ओम कह करके ही प्रारंभ करें। हम ओम की कृपा से ओंकार ब्रह्म के आशीषों से ही ये सब कुछ करने में समर्थ हो पा रहे हैं। सब कुछ करने का ज्ञान संवेदना सामर्थ्य शक्ति ऊर्जा अवसर भगवान ने दे रहा है। सारी उपलब्धियां भगवान से है सारी विजय भगवान के अनुग्रह आशीष से है। ऐसे 24 घंटे यह हमारा ओंकार ध्यान अखंड रहे हमारा ध्यान अखंड रहे हमारी भक्ति अखंड रहे हमारी समाधि अखंड रहे सहज समाधि हम बचे रहें अशुभ से मुक्त रहें अशुभ से। मुक्त मन छूट अब छूट गया सारा अशुभ मुक्त हो गया उससे क्योंकि हम ओंकार के साथ युक्त हो गए। यही है जीवन मुक्ति। बस इसके लिए ये गहरा तप चाहिए। इसी को क्रिया योग का महर्षिप्त जरिए तपस्वाध्यायी शप्रणिधानानी क्रिया योग। ये तप हमारा खंडित ना हो ये जप हमारा खंडित ना हो भक्ति हमारी खंडित ना हो। ज्ञान हमारा खंडित ना हो अखंड ज्ञान अखंड भक्ति अखंड कर्म पुरुषार्थ परमार्थ सेवा साधन बिन तपस्या त्याग के ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका एक बार ओंकार के उच्चारण से ध्यान लग जाता है तो एक बार कर लीजिए। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए 8 बार कर लीजिए या आप 108 बार कर लीजिए या जब तक आप पूरी तरह से ओंकार में समाहित नहीं हो जाते तब तक करते रहिए। बोल करके वाचिक जप ओषेलते रहे उपांशु जप मन ही मन मानसिक जप और धीरे धीरे फिर अजपा जप तो बस हो जाएगा वो तो किया नहीं जाएगा। तो आइए प्रार्थना पूर्ण हृदय से
प्रार्थना के साथ ओंकार का ध्यान मूलाधार से सहस्रार तक प्रथम सभी चक्रों में और अंततः फिर हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में सहस्रार ब्रह्मरंध्र में मन को टिका करके पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक केंद्र से लेकर के परिधि तक उसी ओंकार में समाहित रहे। ऐसे बोल करके वाचिक जप उपांशु जप मानसिक जप और अजपा जप में समाहित हो जाते हैं। अंतर की गहराई में गहरे उतरते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। बिन्त परस्या त्याग के तुने कहो प्रिय धेय पाया, बिन्त परस्या त्याग के किसने कहो प्रिय धेय पाया, बिन्त परस्या त्याग के Oh।
प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, इन दोनों की जब पराकाष्ठा होती है, अतिरेक होता है, हम एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, तब सत्य से परे जो परम सत्य है, सुख से परे जो परम सुख है, परम शांति है, परम संतोष, परम तृप्ति है, परम विश्रांति, दुनिया में पद और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष होता है, वो परम पद है, दुनिया में गति और प्रगति के लिए संघर्ष है, वो परम गति है, दुनिया में उपलब्धियों के लिए हमारा संघर्ष है, वो परम उपलब्धि है, परम विजय है, यह राज्य साम्राज्य पाने के लिए संघर्ष है, वो पूर्ण स्वराज्य है, मुराधार से सहस्रार्थ कैसे ही कपार भांति का तप करते रहे, शरीर में विकार भरे पड़े हैं, इंद्रियों में चंचलता है, मन में विचारों में भावनाओं में विकार भरे पड़े हैं, कोई बात नहीं, एक बार यात्रा शुरू कर दो अनंत की, तीन शब्दों में जीवन और जगत इस सारे विजय के सूत्र अक्सर में कहता, ज्ञान की पराकाष्ठा, एक ही ब्रह्म तत्व का अपर रूप में परात परम ब्रह्म के रूप में, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म,
प्रत्यक्ष परोक्ष ब्रह्म, व्यक्त अव्यक्त सगुण साकार निर्गुण निराकार, सब रूपों में प्रभु तू ही तू, तू ही तू। और मूलाधार से सहस्रार्थ, एक प्रचंड वेग, प्रचंड तप, ज्ञान की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, कपाल भक्ति करते रहेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में योगेश्वर महायोगी, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिया है, कर्म करो, स्वरूप में रहो, स्वरूप में रहकर के स्वकर्म का स्वधर्म का निर्वहन करो, यही मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, समाधि का, सहज समाधि का, यही जीवन के निर्माण का और निर्वाण का, यही सत्व में दिव्यता में प्रतिष्ठित रहने का महामंत्र है। और सत्व में प्रतिष्ठित रह करके, दिव्यता में प्रतिष्ठित रह करके, गुणातीत भावातीत होने का भी यही मार्ग है। अब हम इसको ध्यान समाधि कहें, इसको गुणातीत समाधि कहें, इसको भावातीत समाधि कहें, नाम भिन्न भिन्न है, ध्येय एक ही है, ओंकार के साथ एकाकार हो गए। यदि चित्त एकाग्र है, मन में सात्विकता है, दिव्यता है, गुरु में भगवान में पूर्ण निष्ठा है, आत्म तत्व में प्रतिष्ठा है, अच्छी बात, वही क्षण में ध्यान अवस्थित हो जाएंगे, वही क्षण में समाहित हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। जो ऊंची चेतना वाले हैं, जो जन्म जन्मांतरों से इस मार्ग पर चल रहे हैं, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जाह सिद्धया, उनकी सिद्धि सद्य हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, एक क्षण में वो दिव्यारोहण पा लेंगे। लेकिन जिनका भी अभ्यास नहीं है, जिनके तन रोगी है, जिनकी इंद्रियों में चंचलता है, मन में व्यग्रता है, व्याकुलता है, कामनाएं भरी हुई, विकार भरे हुए, दोष भरे हुए, और जीवन में भी बहुत पाप किए हैं, अपराध किए हैं, तो भी एक बार भगवान के मार्ग को स्वीकार किया तो उनका भी उद्धार सुनिश्चित है। बस एक बार जो राह पकड़ी, एक बार जो पथ पकड़ा परमेश्वर का, प्रभु अब तेरे पथ पर चल पड़ा, अब लाख बाधाएं आए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा प्रभु, ये संकल्प ही आपको समाधि तक, सिद्धि तक ले जाएगा, आत्मदर्शन तक, प्रभु दर्शन तक आपको पहुंचाएगा। आइए कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हुए ओंकार का जप, प्राणायाम का तप चलता रहे, और श्रीमद् भगवद गीता में स्वरूप में रह करके स्वकर्म का, स्वधर्म का, अपने परिवार धर्म का, अपने समाज धर्म का, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का, अध्यात्म धर्म का, विश्व धर्म का कैसे अनुष्ठान करना है, कैसे भगवान के विधान में हमें चलना है, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसका श्रवण भी करते रहे, श्रवण भी कर चलता रहेगा, साथ साथ जब तब चलता रहेगा, और श्रवण करते हुए भगवान की महिमा ही तो सुनते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभु तेरी शरणागति,
तेरा आश्रय तेरा आराम, इस भाव चेतना के साथ आइए। इंद्रिया
ब्रह्माक्षर समद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्वात्मा बुद्धि भेदं जनयेत्
कुतः समाचरन् प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वमित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणावर्तन्त इत्यन्त इति मत्वा न शच्यते प्रकृति सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्ना विदो मन्दान् कृत्स्नविन्ना विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतश्वरः ये मे मनमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये ते त्वदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढासान् विद्धि दष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते जानवानपि प्रकृतिं ज्ञान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् अधर्मे निधनं स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेया बलादिवा नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च
यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् जानमे तेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम् सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः से कम 5-10 मिनट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम अवश्य उससे शरीर शुद्ध हो जाता है इंद्रियों में सात्विकता दिव्यता निर्दोषता और मन में भी निर्मलता आ जाती है। रोगी शरीर में इंद्रियों की चंचलता में मन की व्याकुलता में मन में कामनाओं का भोगों का वासनाओं का उद्वेग मन में विकार भरे पड़े तो ध्यान संपन्न नहीं होता। इसलिए भस्त्रिका